वो मुबारकबाद दी इंडियन इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया, उन्होंने जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते। तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है। खुदा के वास्ते आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ना दें, जरा आप कहीं बाहर इस धरने को हम शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मौलाना जो इत्तलात आ रही हैं, मौलाना इस पर नहीं मान रहे हैं। बट स्टिल बीजेपी के लीडर, बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफी कामरान यूसुफ ने, और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अलग अलग पेजेस पर हैं। अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लिपों में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट मोदी की भरभर की तारीफ कर रहे हैं। बात ऐसी है कि कर्नाटका के चुनाव के रिजल्ट आते ही मोदी साहब ने दो ट्वीट किए हैं, और पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और उनके कार्यकर्ताओं को बधाई दी है क्योंकि कर्नाटक की जनता ने उनके वादों को और उनके इरादों पर मुहर लगाई है, और वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने सारे भाजपा के कार्यकर्ता और जिन्होंने भी भाजपा को वोट किया है उनको बधाई दी है और उनका शुक्रिया अदा किया है। इसी पॉजिटिविटी को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार एनालिस्ट ये बातें कह रहे हैं कि भारत में कैसा लोकतंत्र है कि हारने के बाद भी वहां का प्रधानमंत्री अपने अपोजिशन पार्टी को बधाइयां दे रहा है और वहां की जनता का जो भी निर्णय है उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में अगर कोई सत्ता से हटता है तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा के रख देता है, पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके रख देता है। यही चीजें वहां की राजनेताओं को मोदी साहब से सीखने की जरूरत है कि कैसे हार को स्वीकार किया जाता है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, और क्यों नहीं पाकिस्तान में मोदी ऐसे नेता पैदा होते हैं जिससे पाकिस्तान का भी भला हो सके। और क्या बातें हुई हैं विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडियन इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जो यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया, ये नहीं कह दिया ये तो धांधली हुई है हम तो मानते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए सानू की। बस आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में
सड़कों पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते हुए दिखाई दिए गए। अब एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से कि वहां पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सीट्स बीजेपी से ज्यादा है, बट स्टिल बीजेपी के लीडर बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफी कामरान यूसुफ ने, और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा जिनका नाम है, उन्होंने कुछ नेगेटिव ट्वीट की थी अबाउट पीएम मोदी, उन्होंने जिसके जवाब में पाकिस्तानी सिटीजन है बहुत ही जाने माने यूएस में जिनका नाम है उजैर, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये भी बोला है कि लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो वहां पर पीएम मोदी की सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर पीएम मोदी को प्रेस किया जा रहा है, ना सिर्फ सहाफियों की जानिब से बल्कि आवाम भी उन्हें प्रेस कर रही है। इसको जरूर देखिए, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया, उन्होंने जो है वो सबको उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस बीजेपी जो दीगर पार्टियां हैं और ये जो पंजाब में, तो उनके पंजाब में यानी जो हुकूमत है, बहुत कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा अब देखें जितनी मकबूलियत है, जितनी शोहरत है मोदी की, वो इजीली कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत हुआ, लेकिन तो उसके सपोर्टर्स उसको कहाँ उठा के बिठाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा। उसके भी सपोर्टर्स शायद इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह उनको पता निकाला जाएगा, तुम लोगों को हम बताते हैं ये तो गलत किया तुम लोगों ने, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। अच्छा इसी के साथ एक और खबर क्या है, इसी के साथ एक और खबर ये है कि जो टर्की है वहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। सर वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, तुर्किया में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है आज। जो तैयब उर्दवान है वो इमरान खान के बहुत करीब, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, तो तैयब उर्दवान को आज लोग वोट डाल रहे हैं। अगर और उनका भी यही सिस्टम है कि उनके जो मुखालफिन है वो उनको बिल्कुल इमरान खान की तरह ही तनकीद करते हैं उनके ऊपर, वो भी एक सिदारती निज़ाम चाहते हैं, वो भी एक खलीफा बनने का, जो उनको तो शौक रहता ही, आपको पता ही है। वहां पर इलेक्शन हो रहा है और आप देखिए कि बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। आई हैव नो आइडिया हमारे अंदर ऐसा क्यों है। मैं अभी भी ये कह रही हूँ, जो इसका आखिरी हल है ना, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तीसरे फरीक को आप निकाल, बाहर करें, बाहर खड़ा कर दें कि आप इसके बीच में नहीं आ सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज टेबल पर बैठे, उन्हें कहें कि क्या करना है। ओके अगर इमरान इलेक्शन करवाएं, इमरान खान अगर जीत जाते हैं, वाकई उनकी वो है फ्री एंड फ्री इलेक्शन में, उससे पहले एक वो कर ले एकॉर्ड के जो भी जीतेगा वो अपने मुखालफीन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाइयां नहीं करेगा, जेलों में नहीं भरेगा, क्योंकि ये तो होता है ना यहाँ पर, इमरान खान आ गए तो सबको चौकों पे लटका देना, इन्होंने ये नहीं होना चाहिए, इसी डर से ये हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो भी इसी डर से हो रहा है, और इमरान खान भी जब आएंगे तो वो ये सब कुछ करेंगे और फिर पलड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो पहले आप सब बैठ के टेबल पे एकॉर्ड करें कि जी इलेक्शन करवा देते हैं जब भी इसी साल के अंदर, और उसमें फ्री एंड फेयर होते हैं, उसमें फौज का कोई किरदार नहीं होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।